हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन रियल ब्लॉग क्लीनिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने घरों में मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दोपहर के बजे हैं 11 और हम अभी जस्ट पहुँचे हुए हैं ससुराल। तो मैंने कहा चलो ससुराल में बैठे हुए थे, खाना पानी वगैरह पी करके, जैसे ही पानी वानी पिया और खाना खाया थोड़ी देर बाद, तो हम गए थे मंदिर। कब मंगलवार था तो ये मंगलवार के दिन का ब्लॉक है। तो वहाँ पर हनुमान जी के बहुत प्रसिद्ध मंदिर थे, वहाँ पर गए हुए थे और वहाँ से लौटने के बाद फिर हम घर आ गए हैं ससुराल में। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, गाँव में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और लाइट की भी ज़्यादा परेशानी रहती है। तो पेड़ लगे हुए हैं तालाब किनारे, हमारे घर है तो बस वहीं पर बैठे हुए हैं, तालाब के किनारे ही हम लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो ब्लॉक स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ कि ससुराल में मेरे कौन कौन हैं फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको अपने ससुराल के बारे में बताऊंगी, मेरे ससुराल में कौन कौन है। अभी तो इस बार की वीडियो में मैं नहीं मिला पाई सभी लोगों से, नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं ससुराल पर डालूंगी तो सभी लोगों से मिलाऊंगी, क्योंकि मैं गई थी दोपहर में तो सब लोग अपने अपने काम पर लगे हुए थे। तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने कहा बाद में बनाऊँगा, अभी मैंने ससुराल में किसी को मालूम ही नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने बताया भी नहीं। अभी मैंने वीडियो बनाया तो बस मैं वहीं अपना अकेले बैठी हुई थी। तो फ्रेंड्स, हमारे ससुराल में हम लोग तीन देवरानी जेठानी हैं, तो सबसे बड़े हैं जेठ हमारे और बीच की हम हैं और एक छोटे देवर हैं। तो तीन लोग हैं ससुराल में, तो सब लोग, सास भी हैं हमारे, ससुर जी नहीं हैं, सास भी नहीं रहती। तो हम लोग जब भी जाते हैं, हम और हमारे देवर देवरानी जब भी जाते हैं घर, तो सासू माँ उन्हीं के पास में ही रहते हैं। तो ये देखिए, तो फिर गर्मी लग रही थी वहाँ पर, तो पेड़ के नीचे हम लेट गए थे क्योंकि बाहर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, तालाब किनारे है तो वहीं पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, तो वहीं पर तकिया रखती है और चटाई बिछा के लेट गए थे। हमने कहा नीचे ही लेट गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो कुछ कुछ हवा लग रही थी, तो इसीलिए हम बैठ गए थे। हमने कहा चलो बैठ जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, इतना अच्छा मौसम है गांव में, बहुत ज़्यादा हवा चलती है पेड़ों के नीचे। हम जहाँ पे लेटे हुए हैं नीचे आपको दिख रही होगी साड़ी, और ये देखिए कि वहीं पर बाइक खड़ी हुई थी और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, एकदम से बहुत ही अच्छी लग रही थी, बिल्कुल ताज़ी हवा की बात ही अलग है, खुला मौसम और एकदम से हवा तो बहुत तेज़ चल रही थी। बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं किनारे ही घर के, तो बहुत अच्छी हवा लगती है, लाइट से कोई मतलब नहीं रहता। खुला मकान है तो मकान, खुले मकान में तो अच्छी हवा लगती ही है। तो बस मैंने यहीं पे मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ, अच्छा लग रहा था व्यू देखने में, सुहाना मौसम था एकदम से, बरसात का मौसम, बारिश बारिश का ये देखिए, और बहुत ही बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात हो जाएगी और मेरा ब्लॉग भी स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ मेरे 10K सब्सक्राइब करवाइए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे 10K सब्सक्राइबर आप ही लोगों की हेल्प से हो सकते हैं, जब आप लोग चाहेंगे तभी हो पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये मैं लेटे लेटे ही शूट कर रही थी, वहीं पर लेटी हुई थी, वहीं पीछे पेड़ों में बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं वही देख रही थी। तो ये वीडियो ऑन था कैमरा, तो बस उससे वीडियो बन रहा था। ये देखिए यहीं पे, और बस ये अंदर का दरवाज़ा है, यहाँ पे गेट लगा हुआ था। तो सब लोग खाना खा के लेट गए थे, फिर मैं शाम को गई थी बगल में वाले घर में, तो वहाँ का ब्लॉक मैंने नहीं बताया क्योंकि लाइट नहीं थी, वहाँ अंधेला था, वो बना हुआ पूरा मकान बंद था, तो वहाँ पे लाइट नहीं चल रही थी, मतलब लाइट ही नहीं थी, हर बार लाइट जा रही थी, 11 बजे रात में लाइट आई, इतनी नहीं लग रही थी। तो फिर हम लोग बाहर निकल के आए छत पे और वहीं खुली हवा में लेटे, देख सकते हैं आप बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ये देखिए बिल्कुल एसी फेल है, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी बादल है और बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है पेड़ों की, तो बहुत अच्छा लग रहा। तो ये देखिए तालाब में पानी भर गया, इधर पे ये भरा हुआ है तालाब में पानी, तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ रहे हैं ससुराल से। हम एक दिन रुके थे वहाँ पर और दूसरे दिन नेक्स्ट दिन हम लोग आ गए थे वहाँ से। तो बस मैं स्कूटी से गई थी, तो बस आ रही थी स्कूटी से ही, तो मैंने कहा कि रास्ते में ब्लॉग बना लेती रास्ते का, लेकिन न बिटिया कहना नहीं बनाना है, वो हिल रही है स्कूटी, हाँ हम कैमरा करोगी बार बार मोबाइल,
तो कह रही नहीं बनाना, चुपचाप बैठी रहो। तो फिर मैंने बनाना छोड़ दिया, यहीं गांव का जो पड़ा हुआ था वही डाल दिया। मैंने कहा चलो आपके साथ कुछ तो शेयर हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं अभी जस्ट नहा करके मैं ससुराल से मैं आ चुकी हूँ मायके में, और मैंने कहा बाल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने बाल भी धुले। बाल धुलने के बाद में बैठी, मैंने कहा चलो ब्लॉग कर देती हूँ। एंड थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा रात में सोई नहीं थी क्योंकि चार लोग होते हैं तो बातचीत होती रहती है, तो मैं इसी वजह से सो नहीं पाई थी। तो मैंने कहा चलो आप उनसे बात कर लूँ, और इसके बाद दिन में आराम ब्लॉग कम से कम स्टार्ट हो ही जाएगा। तो बस वही नहा करके आई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो बाल भी धुले, उन्हीं को सुखा रही थी बैठे बैठे हवा में पंखा में, और आप लोगों से बात भी करती जा रही थी। तो फ्रेंड्स मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे।